दोस्तों वनडे क्रिकेट में लगभग सभी बल्लेबाज अर्धशतक तो लगाते ही है, लेकिन दोस्तों कुछ ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू मैच में ही सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। और दोस्तों इस लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम भी शामिल है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वह खिलाड़ी कौन सा है। नंबर 5 मोहम्मद रिजवान। दोस्तों पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने साल 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में अपना डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 46 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। नंबर 4 नासिर जमशेद। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पाकिस्तान के ही एक और बल्लेबाज है जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू मैच में 40 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। नंबर 3 ल्यूक राइट। दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी ल्यूक राइट ने साल 2007 में इंडिया के खिलाफ अपना वनडे में डेब्यू करते हुए मात्र 38 गेंदों में अर्धशतक बना डाला था। नंबर 2 जॉन मॉरिस। दोस्तों इंग्लैंड के एक और पूर्व खिलाड़ी जॉन मॉरिस ने अपने वनडे डेब्यू मैच में मात्र 35 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। नंबर 1 कृणाल पांड्या। दोस्तों कृणाल पांड्या ने अपने वनडे डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।